इसकी बहुत कीमत है आज के टाइम पे, बिना इसके मरीज ना छटपटा जाता है, बिना इसके। कुछ नहीं आ रहा इसमें, कुछ भी नहीं आ रहा इसमें। राहुल वोहरा का ये आखिरी वीडियो उनकी पत्नी ज्योति तिवारी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो दिखाता है कि ऑक्सीजन के नाम पर किस तरह अस्पतालों में मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ा जा रहा है। अटेंडेंट आई थी, मैंने उसको बोला, एक जरा सा फोटो कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो क्या करते हैं, एक बोतल होती है, उस बोतल को फुल भर के उसके फ्लो को बढ़ा रहे हैं, इसमें पानी आ जा रहा है, वो करके चले जाते हैं, फिर उनको आवाज़ें लगाओ, आते ही नहीं है, एक एक डेढ़ घंटे बाद आते हैं, तब तक मैनेज करो, पानी छिड़को, इसको लगाओ, फिर पानी भर जाएगा, फिर छिड़को, फिर उसको लगाओ। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का वीडियो शेयर करते हुए ज्योति तिवारी ने दिखाया कि राहुल वोहरा को ऑक्सीजन मास्क तो लगा दिया गया, लेकिन ऑक्सीजन गायब थी। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको पानी की बोतल में पानी कम रखना है, फ्लो बढ़ाना है, और अगर किसी को बोल दो सुनो प्लीज ये कर दो, कहते हैं एक मिनट में आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे, बताओ मैं इसको ये करा के क्या करूं मैं। ज्योति तिवारी ने अपने पति के लिए इंसाफ मांगते हुए कहा, मेरा राहुल तो चला गया ये सबको पता है, पर कैसे गया किसी को नहीं पता। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ताहिरपुर दिल्ली, ऐसे इलाज किया जाता है वहाँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे पति को इंसाफ मिलेगा, एक और राहुल इस दुनिया से नहीं जाना चाहिए। आई मेरे, बताओ मैं इसको ये करके क्या करूँ मैं। देखा, जरा से गुस्से में अगर पानी ना डाला जाए तो घर बर्बाद होते देर नहीं लगती। अरे पति पत्नी के बीच में तो वैसे भी नहीं पड़ना चाहिए, जहां आप बीच में पड़े बस वहीं से दूरियां बढ़ी। सोशल मीडिया पर बेहद पारिवारिक और साफ सुथरा अभिनय करने वाले राहुल वोहरा ने बेहद कम समय में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतने का काम किया, और जाते जाते भी पैगाम दे गए कि जल्द जन्म लूंगा और अच्छा काम करूंगा। लेकिन उनका ये आखिरी पैगाम और ये आखिरी वीडियो दिल को झकझोर देने वाला है कि एक होनहार एक्टर इस मलाल के साथ दुनिया छोड़ गया कि अच्छा इलाज मिलता तो मैं भी बच जाता। बताओ मैं इसको ये करके क्या करूं मैं।